वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। यौम पाकिस्तान पर कौम के अजम मुसम्म की तजदीद, शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्ला फौज की मुश्तरका परेड। सदर आसिफ जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फिजाई के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। मिसाइलों समेत सामान हर्ब की नुमाइश। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। चीन का खुसूसी फौजी दस्ता भी परेड में शरीक। स्काई डाइवर्स का महारत का मुजाहरा। इलाकाए फ्लूट्स में सकाफती धनक के रंगों की अक्कासी। मुसल्ला फौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार। पाकिस्तान की सलामती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर परेड तकरीब से खिताब। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिफाई एतबार से एक मजबूत मुल्क हैं। खुशी है कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के बाद जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। हम सब की जिम्मेदारी है कि तमाम मुश्किल को मिलकर हल करें। माजी में मुश्किल का मुकाबला किया, इसी तरह आज भी पाकिस्तान को चैलेंज से निकाल सकते हैं। कौम यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मना रही है। दिन के आगाज पर मसाजिद में मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं। वफाकी दारुलहुकूमत में 31, सूबाई दारुलहुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी। लाहौर में मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद। पाक फिजाई के दस्ते ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभाल ली। मुल्क का परचम हर सूरत सर बुलंद रखेंगे। यौम पाकिस्तान पर मुसल्ला फौज का पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ सर्विसेज चीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, यह दिन बरसगीर के मुसलमानों के अलग वतन के लिए की गई अजीम कोशिशों की याद दिलाता है। मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों को फारसी हुक्मरानों के जुल्म का सामना है। ये जुल्म और बर्बरियत हमें आज़ादी की अहमियत और कदर का एहसास दिलाता है। मुल्क को दरपेश संगीन मसाइल से आगाह हैं। बहसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला करते हुए साबित कदमी का मुजाहरा करना है। उम्मीद है जल्द महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। कहा, अवाम ने आम इंतखाबात में अपने नुमाइंदों को मुंतखिब किया। आज के दिन पाकिस्तान को अमन, तरक्की और इस्तेहकाम का गवारा बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करें। नवाने सदर में आज 161 अफराद को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। कोरोना के दौरान शहीद 299 अफराद को तमाम इम्तियाज मिलेगा। कायम अली शाह, जफरुल हक, शमशाद अख्तर समेत 7 अफराद निशान इम्तियाज हासिल करेंगे। इरफान सिद्दीकी, मुश्ताक सुखीरा को हिलाल शुदास से नवाजा जाएगा। फन के शोबे में वासिर चौधरी, सज्जल अली, जुगन कासिम को भी अवार्ड दिए जाएंगे। शासिया मंसूर, इनायत हुसैन भट्टी मरहूम को सदाती अवार्ड दिया जाएगा। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाक ईरान दोस्ती के रंगों में रंग गया। दोनों मुल्कों के परचमों ने समा बांध दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का गर्मजोशी के मुजाहरे पर ईरान से इजहार तशक्कुर। कहा, ईरानी इकदाम दोनों मालिक की गहरी दोस्ती और दोस्ताना रवाबित की अलामत है। रूसी दारुलहुकूमत मॉस्को के कॉन्सर्ट में नकाबपोश अफराद का हमला। फायरिंग धमाके में 60 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल में आग भड़क उठी। हर तरफ अफरा तफरी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाके से छत गिर गई, सैकड़ों अफराद दब गए, हमला आवर गाड़ी में फरार हो गए। दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यूक्रेन हमले में मुलव्वस निकला तो उसे तबाह कर देंगे। रूसी सदर पुतिन की धमकी। यूक्रेनी सदारती तर्जुमान का हमले से इजहार लातालुकी। अमरीकी मीडिया का धमाके में दाइश के मुलव्वस होने का दावा। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसिल बोले, यूक्रेन के मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। मॉस्को में अमरीकी शहरियों को अवामी इजतमात में जाने से गुरेज की हिदायत। साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। शहरयार खान दो मरतबा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। सेक्रेटरी खारजा के अहदे पर भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शहरयार खान की मैया तस्वीर के लिए आज लाहौर से कराची लाई जाएगी।
कंदकोट में कच्चे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन का पांचवा रोज। पुलिस रेंजर्स की थाना तंगवानी, जमाल और शबीराबाद के हदूद में कार्रवाई। उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कातिलों से ताल्लुक के शुबे में 21 अफराद जेर हिरासत। मजीद 5 ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। लाहौर के इलाके जहाटान में दूध की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। बयाना मुकाबले में एक डाकू अलाक 3 पकड़े गए। फायरिंग के जद में आकर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मस्जिद नबवी में एतकाफ के लिए ज़ायरोन ऐप से रजिस्ट्रेशन का आगाज। मालूमात अपलोड करके परमिट हासिल किया जा सकेगा। मस्जिद नबवी इंतजामी के मुताबिक एतकाफ के इजाजतनामे जगह की गुंजाइश के मुताबिक जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का माजी शानदार और मुस्तबिल रोशन है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान की तवील मुद्दती तरक्की ख्वाहिशात की हिमायत करती है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर USAID माइकल शेफर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का कहना था कि मिलकर इलाकाई और आलमी सलामती के लिए काम करते रहेंगे। भारत में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी पर अमरीकी कांग्रेस का इजहार तशवीश। खसूसी इजलास बुलाकर भारत को खसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी। माहरीन की कमीशन के सामने मुसलमानों पर बहमाना तशद्दुद की गवाही। कहा अकलियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल करके दूसरे दर्जे का शहरी तसव्वुर किया जाता है। भारतीय अहलकारों ने कैनेडा में हरदीप सिंह नज़र को कत्ल किया। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने कैंसर में मुबतला होने की तस्दीक कर दी। वीडियो पैगाम में केट मिडलटन ने बताया, जनवरी में उनके पेट की सर्जरी हुई थी। कैंसर में मुबतला होने की खबर बड़ा धचका थी, लेकिन बच्चों और फैमिली की वजह से उसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थी। केमोथेरेपी जारी है, दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। मुतफ़िका तौर पर मसनू इजानत से मुतालिक पहले करारदाद अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इंसानी हकूक की पासदारी, ज़ाती डेटा का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरात को मॉनिटर करने पर इसरार। अमरीका की तजवीज़ करदा करारदाद की चीन समेत 123 ममालिक की हिमायत। अदाकारा हानिया आमिर ने भी रमज़ान के बाबरकत महीने में उम्रे की सआदत हासिल कर ली। हानिया आमिर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सहर अगे सवास खूबसूरत अंदाज। सुलुकारा शहनाज बेगम को दुनिया से गए 5 बरस बीत गए। उनके गाए हुए मिले नगमे और गीत आज भी कानों में रस खोल रहे हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, सोनी धरती अल्लाह रखे, वतन की मिट्टी गवाह रहना, मौज बड़े या आंधी आए दिया चलाए रखना, आज भी कई नस्लों के जहनों में जिंदा है। अहले जमी आज जमी से मोहब्बत का घंटा मनाएंगे। अर्थ आर पर रात 8:30 बजे रोशनियां 1 घंटे के लिए बुझा दी जाएंगी। तमाम इजाफी लाइट्स और बर्की आलात बंद होंगे। अर्थ आर मनाने का मकसद माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अवामी शऊर उजागर करना है। और साल 2024 की सबसे ज्यादा मुंतजर फिल्म की नुमाइश का वक्त करीब। एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म मंकी मैन के दूसरे ट्रेलर ने धूम मचा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।